सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने सेकेंडरी यानी कि कक्षा 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा होने का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2022 के नतीजों की घोषणा जल्द की जाएगी। ऐसे में छात्रों के डिजी लॉकर अकाउंट पर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन लगाया गया है, जिसे स्टूडेंट को एक्टिव करना होगा। आपको बता दें कि सीबीएसई रिजल्ट 2022 की घोषणा के बाद स्टूडेंट्स को उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को उनके डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सीबीएसई ने इस पूरे प्रोसेस के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक डीजी लॉकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एलओसी विवरण को भरना होगा, लॉगिन एज ए स्कूल को सिलेक्ट करके सबमिट करना होगा। नए पेज पर डाउनलोड पिन फाइनल करके क्लिक करें। कक्षा 10वीं या 12वीं के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा। छात्र छात्राओं के पिन एक फाइल